Hey guys, namaste, I'm Jalin. Again, welcome back to my channel. So in today's video, I'm going to share with you Indian wedding guest makeup look. So yeah, let's get started. But उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसी टाइम इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, बेल आइकन को टैप करना. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट मैं यहाँ पर आईब्रोज को फिलअप कर रही हूँ विद यूजिंग हिलारी रोडा ब्राउज पेंसिल इन द शेड डीप ब्लैक. देट मैं स्कूल की हेल्प से इसे काम कर रही हूँ. आफ्टर दैट मैं एक कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ. मैं यहाँ पर स्विस ब्यूट की कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ दिस सेट 02. आफ्टर दैट मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ एक ब्लेंडर की हेल्प से. और क्या नेक्स्ट मैं कंसीलर को सेट करने के लिए यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैपलिन की कंपैक्ट. एंड नेक्स्ट हम आई शेडो अप्लाई करेंगे. मैं यहाँ पर जैकलिन हील पैलेट यूज़ कर रही हूँ. ये ट्यूब है तो फर्स्ट मैं एक डार्क सा मरून शेड लेकर उसे ब्लेंड कर रही हूँ क्रीज लाइन पर. नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर एक ब्लैक शेड को, क्योंकि क्रीज लाइन को और भी ज़्यादा डार्क कर दिखानी है, लुक थोड़ा सा अच्छा है, तो इसलिए ये थोड़ा सा न्यू आई लुक है. सो अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ एक पर्पल सा शेड लेकर, वो भी सिर्फ आउटर कॉर्नर में. आउटर कॉर्नर में थोड़ा सा, मतलब मिडिल और आउटर कॉर्नर के बीच में अप्लाई कर रही हूँ. नेक्स्ट मैं गोल्डन शेड को अप्लाई कर रही हूँ इनर कॉर्नर में. और आपको जैसे बताया कि मैं हमेशा न्यू आई लुक लेकर आती हूँ, तो या ये और है. सो अभी मैं एक ग्लिटर आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ जो कि है स्विस ब्यूटी की इन दिस सेट 01. नेक्स्ट मैं लोअर लास्ट लाइन में भी अप्लाई कर रही हूँ वही पर्पल शेड को, और गोल्डन शेड को भी अप्लाई कर रही हूँ. आफ्टर दैट मैं ऐसे थोड़ा सा स्मॉच कर लूँगी. ओके सो नाउ मैं अभी आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ है एन बाय की आईलाइनर. सारी प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो श्योर चेकआउट कर लेना इनके से आपको कुछ अगर चाहिए हो तो. तो मैं यहाँ पर फॉल्स आईलैशेस यूज़ कर रही हूँ, ये मैक का आई मीन ड्यूप है. सो ओके अब हम फेस मेकअप स्टार्ट करते हैं. मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन मेबलिन की सुपरस्टे फाउंडेशन, उसके साथ मैंने मिक्स किया है लैक्मी की फाउंडेशन को. ओके सो अभी मैं ब्लेंड कर रही हूँ. आफ्टर दैट मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, ये है वही सेम स्विस ब्यूटी की कंसीलर, बहुत ही अच्छा कवरेज देता है. एंड जहाँ जहाँ पर हाइलाइटिंग चाहिए मैं वहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ. आफ्टर दैट ब्लेंड कर रही हूँ और नेक्स्ट मैं यहाँ पर अभी इसे ब्लेंड भी कर रही हूँ. ओके सो पाउडर से सेट कर रही हूँ, ये है मेबलिन की फिट मी कंपैक्ट पाउडर. आफ्टर दैट मैं कंट्रोलिंग करूँगी, तो यहाँ पर मैं एनवे बाय की कंट्रोल स्टिक अप्लाई कर रही हूँ, ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ. सो नेक्स्ट मैं ब्लेंड कर रही हूँ. आफ्टर दैट मैं एक पाउडर कंट्रोल कर, तो ये है सुगर की ब्रॉन्जर इन दिस सेट 02 आई गेस. आपको लिंक मिल जाएगी रेसिंग बॉक्स में, आप सिर्फ चेकआउट कर लेना. नेक्स्ट मैं ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ मेकअप किट के ब्लशर किट. एंड या अभी मैं अप्लाई करूँगी, स्प्रे करूँगी ये सेटिंग स्प्रे, ये है फेसिस कनाडा की सेटिंग स्प्रे. नेक्स्ट मैं हाईलाइटर यूज़ करूँगी यहाँ पर मेबलिन की हाईलाइटर, ये बहुत ही अच्छा हाईलाइटर है और ये काफ़ी साल तक आपकी चले जाएगी अगर आप एक ही बाय करेंगे तो. ओके सर नेक्स्ट मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ. अभी आप फाइनल लुक देखिए. That's it for today's video. See you in my next one. Bye.